वेलकम बैक गाइस, कंटिन्यूइंग योर डिस्कशन ऑन डिविडेंड पॉलिसी। वॉल्टर्स मॉडल हम बात कर रहे थे, आर और के का रिलेशन का थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस हमने कर लिया है, उसी को फर्दर कर रहे हैं। एक एग्जांपल करना था हमको, वो एग्जांपल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, एग्जांपल को बहुत ध्यान दें, सुपर्व और आप बोल सकते हैं क्लासिक एग्जाम्पल है जिसमें और ये एग्जाम्पल मैंने नहीं बनाया हुआ है, ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं मॉड्यूल का ही हिस्सा है जो फाइनल का आपका जो प्रोफेशनल में जो ये रहा करता था, जो आपका कैपिटल सॉरी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पेपर हुआ करता था, वहां से ही ये क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। सो वो क्वेश्चन को बहुत ध्यान दें, एक क्वेश्चन है, मास्टर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा इसमें कंसेप्ट एटलीस्ट। ओके, एग्जाम्पल है, तीन कंपनी है, ए बी एंड सी। ओके सर, इस तीन कंपनी में हमको क्या क्या दिया? हमको आर दिया है, हमको केई दिया है, हमको ईपीएस दिया है, तीनों का। बच्चों, वॉल्टर्स मॉडल में अगर आप बात करोगे, वॉल्टर्स में पी जीरो जो फेयर प्राइस आप निकालते हो आज के डेट में खड़े होके, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? डीपीएस अपॉन केई, ठीक है, प्लस आर अपॉन केई इंटू ईपीएस माइनस डीपीएस, ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन के, राइट, ये वाला फॉर्मूला। तो आपको नहीं लगता आर और के दोनों मिल गया, ईपीएस मिल चुका है, मुझे बस डीपीएस चाहिए, राइट? और डीपीएस के लिए डीपी रेशियो दिया हुआ है। अब समझ में आ रहा है पहला जो क्लास है हमने डिविडेंड पॉलिसी में, क्यों वो फंडामेंटल थियरी फंडामेंटल जो फॉर्मूलेज हैं उसके बारे में क्यों बात किए थे, वहां पे डीपी रेशियो के बारे में टोटल डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। ईपीएस का कितना पोर्शन आप पे आउट कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट योर डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो ईपीएस दिया हुआ है, डीपी रेशियो दिया हुआ है, आराम से आप रिटेंशन रेशियो भी निकाल सकते हो जो कि है बी, और आप डिविडेंड पर शेयर भी निकाल सकते हो, डीपीएस निकाल सकते हो यहां से। सर कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, आराम से चलेंगे। आपको आगे क्या बोला, कैलकुलेट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मतलब पी जीरो, फेयर वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू, फेयर वैल्यू मतलब फेयरली प्राइस्ड वैल्यू ऑफ द शेयर्स, जो हम पी जीरो का बात कर रहे हैं। ओके, ऑफ इक्विटी शेयर ईच ऑफ द अबव कंपनी यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल व्हेन, अलग अलग कंडीशंस, डीपी रेशियो 25% होगा तो आपका प्राइस क्या होगा, 50% होगा तो आपका प्राइस क्या होगा, 75% होगा तो आपका प्राइस क्या होगा। ये तीन अलग अलग कंडीशंस हैं, तीनों कंपनी का इस कंडीशन के हिसाब से आपको प्राइस निकाल के वॉल्टर्स मॉडल में बताना है। दिस इज योर क्वेश्चन, सो विल स्टार्ट द सॉल्यूशन नाउ। ओके, तो तीन अलग अलग डीपी रेशियो को हमने अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे, तीन कैटेगरीज में हमको हर कंपनी का निकालना है। हम वी आर स्पीकिंग अबाउट ए लिमिटेड फर्स्ट, वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला यही है, डीपीएस अपॉन के प्लस आर अपॉन के इंटू ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन के, तो दिस इज द फॉर्मूला, राइट? इसके अंदर मुझे सारे कंपोनेंट्स चाहिए। अब क्योंकि तीन अलग अलग कंडीशन है तो तीन अलग अलग डीपीएस होंगे मेरे पास, ठीक है। ईपीएस बीइंग द सेम, ईपीएस आराम से ₹8 करके दिया हुआ है, डीपीएस जो है तीनों कंडीशन में अलग अलग निकल गया डीपीएस। आर और के कॉन्स्टेंट है, ये हमारा शुरू से एजम्पशन चल रहा है, राइट? वॉल्टर्स मॉडल जो है इसका एजम्पशन यही है, कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होने वाला, डीपी रेशियो चेंज हो रहा है बस, ठीक है। अब पी जीरो उसी हिसाब से कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, तो सब कुछ तो मिल गया है, बस फॉर्मूला में पुट करना है और इसका आंसर आ जाएगा। अब एक सेकेंड, बस थोड़ा सा पॉज करें यहाँ पे, बेटा एक बात बताओ, पी जीरो जो आया वो फेयरली वैल्यूड प्राइस है, राइट? आप एक बात बताओ, यहाँ पे देखो 110 था, 100 हो गया, 90 हो गया, सो कैन वी से जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है, कैन यू से दैट? यस, हम आराम से बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो सर डिक्रीज हुआ, सर अलग अलग फैक्टर्स हैं, डिक्रीज ही हो सकता है, ठीक है, फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं ना, ईपीएस डीपीएस आर के, नहीं आर के तो आप बोल नहीं सकते, क्यों? तीनों केसेस में, अच्छा ये ए लिमिटेड का ही सिर्फ बात हो रहा है, बी और सी का अभी तक बात ही नहीं किए। तो ए लिमिटेड में हमने बस वेरिएबल क्या चेंज किया है, डीपी, राइट, डिविडेंड पर शेयर। तीनों केसेस में जो प्राइसेस निकले, आप ध्यान से देखो, सिर्फ और सिर्फ डीपीएस चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ है, बाकी सेम टू सेम क्राइटेरिया के साथ हम प्राइसेस को निकालने का कोशिश कर रहे हैं, राइट? ओके,
तो अगर दिस इज द फैक्ट, तो सर ये डिक्रीज होने का रीजन क्या है? डिक्रीज होने का रीजन डीपी रेशियो और आर एंड के का रिलेशन है। सर थोड़ा सा एक बार और बताएं बच्चों, ये देखो के 10% है, आर 15% है, ऑब्वियसली सेम इन ऑल द केसेस, ठीक है। व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर, ऊपर का जो हमने कंसेप्ट किया यहां पे, ये जो कंसेप्ट किया हमने, व्हाट वी कंक्लूड, आर अगर के से ज्यादा है ग्रोइंग कंपनी, आर अगर के से कम है तो डिक्लाइनिंग कंपनी, आर अगर के का इक्वल है तो नो ग्रोथ कंपनी, राइट। वही चीजें यहां पे भी हो रही है। यहां पे अगर देखेंगे ए लिमिटेड में आर ग्रेटर देन के है, इज इट ओके, आर इज ग्रेटर देन के। बहुत ध्यान से समझें, थोड़ा सा टेक्निकल है, एक बार समझ जाए तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो सर आर अगर के से ज्यादा है, कैन वी से दिस इज ए ग्रोइंग फर्म, ग्रोइंग कंपनी ए लिमिटेड, राइट। अगर बेटा ग्रोइंग कंपनी है, ऑल द क्राइटेरिया बीइंग द सेम, डीपीएस का बस डीपी रेशियो बस चेंज हुआ है, ऑल अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग द सेम, तो डीपी रेशियो का प्राइस के साथ क्या रिलेशन है यहां पे आप एस्टैब्लिश करें। मतलब सर बाकी का क्यों नहीं देखे, बाकी तो सब सेम है ना, ईपीएस सेम है, आर के दोनों, ये तीनों फैक्टर सेम है, यू नो ऑल द केसेस, ऑल द थ्री केसेस, बस वेरिएंट क्या हुआ, वेरिएंट हुआ सर डीपीएस और आउटकम पी जीरो जो आ रहा है वही सिर्फ चेंज हो रहा है। तो अगर हम बोलें ग्रोइंग कंपनी मतलब आर जहां पे के से ज्यादा है, जितना डिविडेंड ज्यादा देंगे उतना प्राइस कम रहेगा, कैन वी से दैट, यू कैन क्रॉस चेक नाउ। आपका डीपी डिविडेंड पे आउट जब 25% था, ठीक है, 25% मतलब जो डीपीएस है 2 रुपए का था, तब आपका प्राइस कितना आया 110, ठीक है। जब आपका डिविडेंड पे आउट 50% का हुआ, मतलब बढ़ा 2 से 4 रुपए हो गया, तब आपका प्राइस घटा, राइट, ओके। जब आपका डीपी रेशियो एकदम हाईएस्ट पे चल रहा है 75% और बढ़ा, तो जो प्राइस है वो और घटा। सो कैन वी एस्टैब्लिश अ फैक्ट और अ थियोरी हियर कि वोल्टर्स मॉडल क्या बोलता है। वोल्टर्स मॉडल बोलता है कि ये हमारा रेलिवेंट थियोरी है, दैट डिविडेंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। ऑब्वियसली सर यहां पे ही वो चीज जो रेलिवेंट थियोरी है वो एस्टैब्लिश हो रहा है कि डिविडेंड कैसे आप डिक्लेयर कर रहे हो, डीपी रेशियो कैसा दे रहे हो आप, दैट विल बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द शेयर प्राइसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर, ठीक है। तो ये हमारा कंसिडरिंग पॉइंट था, जितना ज्यादा डीपी रेशियो उतना कम होगा आपका प्राइस एंड वाइस वर्सा। सो यहां पे एक चीज हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अगर ये बेटा आप ये थोड़ा सा आप होमवर्क लिख सकते हो या क्लास वर्क लिख सकते हो, डीपी अगर यहाँ पे और एक कंडीशन होता, डीपी 0% होता मतलब डिविडेंड देते ही नहीं, तो ये जो प्राइस आता ये मैक्सिमम होता। बात आ रहा है बेटा समझ में, क्या मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं। वॉल्टर्स मॉडल बोलता है इन केस ऑफ ए ग्रोइंग कंपनी जितना ज्यादा डिविडेंड दोगे प्राइस उतना कमेगा, जितना कम डिविडेंड दोगे प्राइस उतना बढ़ेगा। और वही यहां पे बात की है, ये जो पार्ट है पहला पार्ट हो गया हमारा। यहां पे क्या बोल रहा है, हायर डिविडेंड विल रिजल्ट इन लोअर मार्केट प्राइस, सब दिख रहा है यहां पे, ये हायर डिविडेंड में चल रहा है और प्राइसेस देखिए एकदम लोअर पे आ गया, 90 रुपए में आ गया एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट इज 0% इन केस ऑफ ग्रोइंग कंपनी ओनली। अगर आपका कंपनी ग्रोइंग कंपनी है कैसे पता चलेगा, आर के से ज्यादा है, उस केस में आप जितना कम डिविडेंड दोगे, सबसे कम डिविडेंड कितना हो सकता है 0%, तो जितना कम डिविडेंड दोगे उतना मार्केट प्राइस बढ़ेगा आपका। दिस इज द रेलिवेंस थ्योरी, दिस इज द कंसेप्ट दैट रेलिवेंस थ्योरी एम्फसाइजेस ऑन, ओके।
आगे चलते हैं, एक ए लिमिटेड का पूरा बात हो चुका है, अब चलते हैं बी लिमिटेड के ऊपर। सेम टू सेम ईपीएस डीपीएस आर के ई सब कुछ दिया हुआ है। डीपीएस यहाँ पे आ गया बात, यहाँ पे डीपीएस ऊपर कैलकुलेट किया हुआ क्योंकि ईपीएस तीनों में सेम था, इसलिए डीपीएस सेम टू सेम डीपीएस आ गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आर और के ई ऑब्वियसली ये दूसरा कंपनी है तो आर और के ई अलग अलग है। अब देखो यहाँ पे आर इज लेस देन के ई, राइट, तो इट इज ए डिक्लाइनिंग कंपनी, डिक्लाइनिंग कंपनी। ओके, अब इंटरेस्टिंग बात आएगा यहां पे फेयर प्राइस पे। फॉर्मूला में पुट किया अपने, प्राइसेस निकले हुए जा रहे हैं 50, 60, 70। इंटरेस्टिंग पॉइंट इज पहले केस में मार्केट प्राइसेस गिरते जा रहे थे 110, 190, यहां पे मार्केट प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। Is it okay? 50, 60 and 70। So sir, यहाँ पे क्या theory establish होता है? ये declining company है जहाँ पे R K से कम है, तो expectation ज्यादा लेकिन आप return कम दे रहे हो, तो declining firm। Declining firm में जितना ज्यादा dividend दोगे उतना ज्यादा market price होगा। Sir कैसे पता चला? ये जो column है ये हमारा 75% वाला DP है, right? ये सबसे ज्यादा था, ठीक है, और मार्केट प्राइस भी सबसे ज्यादा में खड़े हैं हम, मार्केट प्राइस जो है वो भी सबसे ज्यादा में खड़े हैं। ओके, और ये सबसे कम था, कितना परसेंट था ये? 25%। ये 25% का डीपी था और यहाँ पे सबसे कम में खड़े हैं। तो दो जो कंसेप्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे, इन केस ऑफ डिक्लाइनिंग कंपनी मोर द डिविडेंड यू पे हायर विल बी योर मार्केट प्राइस एंड वाइस वर्सा। सो दिस एक्सप्लेन्स योर सेकेंड पॉइंट, ये जो पार्ट है। सो यहां पे ऑप्टिमम डीपी कितना होगा? ऑब्वियसली सर 100% होगा। और ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों एक दूसरे के उल्टा है। ग्रोइंग फर्म में ऑप्टिमम डीपी 0%, डिक्लाइनिंग फर्म में ऑप्टिमम डीपी इज 100%। Now, क्यों ये 0%, क्यों ये 100%? प्रूफ के साथ आपके सामने, राइट? ओके, दोनों में ये चीज तो समझ में आ गया। थर्ड में क्या देखो, R और KE दोनों इक्वल है, R इज इक्वल टू KE। तो R अगर KE से इक्वल है तो ये नो ग्रोथ कंपनी है, नो ग्रोथ कंपनी। अभी नो ग्रोथ कंपनी में हमने यहां पे क्या लिखा? एनी डीपी रेशियो विल रिजल्ट इन सेम एमपीएस। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका आर और के दोनों इक्वल है ना, आप कितना डिविडेंड दे रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका मार्केट प्राइस के ऊपर। 10% 10% दोनों है, ईपीएस और डीपीएस को लेके अगर हम कैलकुलेट करें यहां पे तो रिजल्ट आपके सामने 80 80 80, प्रूफ के साथ है ये, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या सीखा? तीन टाइप के फॉर्म हो सकते हैं। ग्रोइंग फॉर्म जहां पे आर इज ग्रेटर देन के ई, उस केस में जितना कम डिविडेंड उतना ज्यादा आपका मार्केट प्राइस, तो 0% इज योर ऑप्टिमम। आप अगर मैक्सिमाइज करना चाहते हो आपका मार्केट प्राइस को तो 0% में डिविडेंड रखो। ओके, सेकेंड इज डिक्लाइनिंग फॉर्म जहां पे आर के ई से कम है, तो यहां पे जितना ज्यादा डिविडेंड दोगे उतना ज्यादा मार्केट प्राइस, ऑप्टिमम डीपी इज 100%। ओके, और अगर R इक्वल टू के ई आप कितना भी रखो, कुछ भी डिविडेंड दो आप, आपका मार्केट प्राइस विल रिमेन अनइफेक्टेड, प्रूफ के साथ है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑन विच रेलिवेंट थियरी जो है वो एम्फसाइज करता है। वो पहले से ही बोल के ये चल रहा है, हमारा अजम्पशन क्या चल रहा था, R और के ई कॉन्स्टेंट रहेगा, एंड वोल्टर्स एंड रेलिवेंट थियरी विल प्रूव दैट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड या डिविडेंड पॉलिसी विल play a very very important role in determining the fair price या market price of the shares. So we'll move forward, क्योंकि हमको ये जो method ये जो हम कर रहे थे, one second, जी यहाँ पे एक second कहाँ कर रहे थे हम? Wolters model हो गया हमारा, relevant theory, okay। ये वोल्टर्स मॉडल हमारा हो चुका है, ग्रोथ मॉडल विल डील विद द नेक्स्ट वीडियो।
Thank you so much, guys.